भगवान को पाने के लिए विश्वास पहला कि प्रेम पहला, भगवान के रास्ते में विश्वास विश्वास प्रथम है ना, भालोबासा भक्ति प्रथम। भालोबासा और विश्वास कतटा दूरे? विश्वास जो है, विश्वास विश्वास ना हो तो गुरु मंत्र नहीं देते कि हमको भगवत प्राप्ति होगा, गुरु धारण हो गया। गुरु धारण जब हो गया और भगवत प्रेम, गुरु धारण होने से भगवत प्रेम अपने आप जागृत होता। पहला ऐसा ऐसी कहते हैं कि हमको कोई दिखे नहीं, माँ हमको कहा है गुरु धारण करना चाहिए, कर लिया, लेकिन पीछे हमने देखा, ऐसे ऐसा सुनाई दिया, पीछे हमने देखा गुरु धारण करके अभी गुरु का दर्शन हमको अच्छा होता है, गुरु का कथन सुनने का इच्छा होता है और अंदर में हमको जागृत होता है, जैसे श्रद्धा भक्ति प्रेम अपने आप सृष्ट हो जाता है। जो गुरु मंत्र दिया है मन प्राण होने के लिए, मन तेरा होने के लिए जो मंत्र मिला है, वो गुरु उपदेश पालन करने से अपने आप दोनों समन्वय हो जाता है, अपने आप हो जाता है। दूसरा एक प्रश्न है, इन्होंने बार बार कहा है कि आप करके सुनाना, आपको बांग्ला में है, মাগো আজকাল তোমার সময়ের অভাবের জন্য তোমার সান্নিধ্য সব সময় পাওয়ার আমাদের সৌভাগ্য হয় না, তোমার কাছে গেলেও কথা বলার সুযোগ পাই না। আমরা যারা সাধনার অতি নিম্ন স্তরে আছি, যাদের সময় সুযোগ সব সময় হয় না, সাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, সেই সব সময় আমরা কার কাছে যাব, যিনি ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনবেন এবং সমাধানের নির্দেশ দেবেন। पहला नंबर जो मन में लाना चाहिए, जो हमारा हमारा प्रयोजन माफी हमारा आता है, हमारा हमको जो अभी मिला है वो हम ठीक ठीक पालन करो, हम हमारा जो अगर जो जरूरत हो गुरु हमको समाधान कर देगी, ये विश्वास रखने से अच्छा। भगवान के पास आशीर्वाद मांगने से मिलता है कि वो स्वयं देते हैं? भगवान ये जो तुम मांगने से देते हैं ना, स्वयं देते हैं, ये भगवान ही कराना, भगवान से आया, ये जो तुम्हारा इच्छा हुआ जो हमको मांगने देते हैं ना, स्वयं देते हैं, ये जो बोलने का तुम्हारा इच्छा आया वो भी वहां से आया, तो वहां से जो आया है वहां से सब कुछ तुमको टाइम पर देते। और जो मांगना है, मांगना प्रार्थना करना, वो आ जाए तो भगवान ही देती है प्रार्थना मांगने के लिए, और ये भी बात देती है जो बस हमारा जो समय होगा हमको देंगे, बिना दे के और छोड़ा नहीं जाती, इसीलिए बस वो अपने आप ही आते हैं, जो गुरु दिया है वो लेके बस एक निष्ठ होकर अपना इष्ट भजन में रहे, गुरु उपदेश पालन करे। एक का प्रश्न है, माँ हम लोग सुबह शाम 2 घंटे ध्यान में बैठते हैं, तो किस तरह से ध्यान करें, उस समय हमारा शरीर कैसा रहे, मन कैसा रहे, और किस तरह से हम ध्यान करें, कृपा करके बताने की कृपा। ये जो सारा दिन 5 दिन से बर्षण हो रहा है, तो तेरी का बता रहा हूँ, तेरी का कैसा सुंदर सुंदर एक एक रूप से बर्षण हो रहा था, वही ग्रहण करने कोशिश कर। और सजबाद अगर कहा जाए, जो इस जो देख रहा भी पहला से बहुत उन लोगों को बैठने का स्थिरता का तरफ हो गया, पहले इतना थे नहीं, दीक्षा तो हमको बड़ी सुंदर मिला है, थोड़ा आया। और एक बात है, वो जो स्थिर भाव से बैठती है, बैठने से क्या होते हैं, वो जो अपने आप शरीर रहती है, ये शरीर को स्थिर होने से अपने आप अंतर क्रिया शुरू हो जाता है,
अंतरक्रिया ऐसा सुंदर शुरू होता है, अपने अनुभव होता है, और अपने अनुभव होते होने से अपने जैसा जैसा क्या क्या होना चाहिए अपने आप उनको आसन करा देती है, फिर बैठा देती है, फिर कोई अनुभव होता है, कोई प्रत्यक्ष होता है, कोई आदेश मिलता है, कोई गुरु सान्निध्य ये भी प्रकाश हो जाता है, बहुत क्रम नियम हो जाता है। लेकिन पहला नंबर ये जो और जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, अभी अपनी तरफ से ये शरीर ने तुम्हारा सुनान दादा साहेब को और सबको कोई ऐसे बोलना आता है, जब लोग जो आते हैं बात करते हैं तो देखो समझो नहीं तो जीवन बिना वो स्फुरन नहीं होता। तो इसीलिए जैसे जैसे आते हैं बोलते हैं, इसीलिए दादा साहेब कहा माँ हम लोग सब मिलके ये साल भर में दो दफे रखे, एक दफे करा साल में, और अभी एक दफे हो गया बहुत सालों से। तो फिर उन्होंने ये बात को शुरू करा जो हमने ईश्वरी ने नहीं कहा तुम लोग सब मिलके शाम जम व्रत करो, लेकिन उन्होंने खुद कहा माँ हम लोग इकट्ठा होके ऐसे। तो पीछे हमने कहा तो महात्मा का तुम ये सुनो जो अमृत वर्षण हो भी सुनो, तो ये तरीका से आज एक आश्रम में ऐसी सुंदर अवर्णनीय रूप धारण कर लिया। ये जो अवर्णनीय रूप सबको का स्मृति भी रह जाएगी। तो एक बात ये है उसी से शुरू हुआ। तो इससे होता क्या जो तुम्हारा जिसका जो संस्कार है अपने आप पता भी लग जाते हैं, अपने आप पता लग जाते हैं। इसीलिए संयम करने का जो बात सबके के पास हुआ है उनको अंदर अंदर में ऐसा आता था, इसीलिए उन्होंने दे दिया इसमें आदेश्वरी को दर्शन मिला इसे रूप में। आपसे एक बात पूछने का है, आत्मा कुछ नहीं है क्यों नहीं होता है उनको ऐसा ही रूप, आत्मा का ऐसा ही रूप है, ऐसा ही स्वरूप है उनको कुछ नहीं है, थोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, एक आत्मा ही है और कुछ नहीं है। इसलिए कहा आत्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मैंने थोड़ा नहीं है, कुछ और नहीं है। अबे चल किसी गाय में ना कि 5 मिनट तुम्हारा बात बड़ी अच्छी है केरे चुप कर सकते कितना शुद्ध चालो धुन ले तो नहीं होवे कितना तो किसी ब्रह्मानंद भगवान धरने किछु जानो क्या सत्यम ज्ञानम सत्यम ज्ञानम बाबा ब्रह्मानंद बाबा जी सत्यम ज्ञानम पसंद करते हैं। हां शुरू करो ठीक है ना बाबा लोग कहे क्या कहना सत्यम क्या कहना सत्यम ज्ञानम सत्यम बाबा जी जो कहा माइक नीचे उतार दो माइक वाला इधर आ जाओ ज्ञानमनं
समझ।